तो बच्चों के हैं दिन के 12:30। हम लोग का सेकंड टाइम का जो भोजन होगा वो साढ़ू जी के नगरी पे होगा। तपाही बे, तो हम लोग अभी निकल गए हैं अपनी गाड़ी लेके। वहाँ पे भैंस लोग नहा रहे हैं, देखिए बड़े प्यार से यहाँ पे। और हम लोग ये सुंदर नजारों का आनंद लेते लेते पहुंच गए हैं, झील ही मान के चलिए। तो हम लोग अभी इस जगह में आए हैं क्योंकि जगह एक नंबर लग रहा है। तो ये पुटुस का ही फल है। पुटुस फल खाएगा? खा लेंगे, बचपन में मैं तो बहुत खाता था। हड़वे खाते हैं इसको? खाते तो हैं शायद। तो हम लोग थोड़ा देर यहाँ पे टाइम पास करेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ आप बीती सुनाएंगे, तत्पश्चात फिर यहाँ से निकल जाएंगे। लोकेशन में लाया हूँ ना। हाँ भे, गाड़ी भी देख कितनी सेक्सी मस्त दिख रहा है एकदम। मैं इसको चूम देता हूँ। चूम दे एकदम जोर से। मैं ठीक चला रहा हूँ कि एक नंबर चला रहा है तू? हाँ, मैनपाट का मेरे को सबसे सुंदर जगह यही वाला लगता है। लोग यहाँ से निकल रहे हैं, दलदली ज्यादा दूर नहीं और 2-2.5 किलोमीटर है। और यहाँ पे तिब्बतियों के मकान देखिए कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, क्या बेहतरीन मेंटेन किए हैं ये लोग यहाँ को। तो पहुँच गए हम लोग जलजली पॉइंट, क्योंकि यहाँ की धरती हिलती है, यहाँ पे हर कोई आके हिलाता है, जमीन को हिलाता है। मीठा बिस्किट है क्या कोई सर? मीठा बिस्किट तो नहीं। अरे पार्ले जी वगैरह? पार्ले जी और किसी के पास नहीं मिलता पार्ले जी? हमारे गवर्नमेंट का पूरा उसको करके ना टिकट लगा दिए, टिकट लगा दिए हैं। तो बस यही नीचे पे जमीन हिलता है। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं जलजली, और यहाँ पे उछल के देखते हैं कि धरती हिलती है कि नहीं। तो कुछ ऐसा रियलिटी है इस जगह में, पूरा हिल रहा है यार पूरा, वहाँ पे उछल रहे हैं लेकिन यहाँ तक वाइब्रेट हो रहा है। ये जगह भयंकर हिल रहा है, ऐसा हिल रहा है ये जगह, एक नंबर हिल रहा है, वहाँ तक हिल रहा है। मैं अभी नहीं हिल रहा हूँ, फिर भी मूव हो रहा है देखो, क्योंकि जितने हिल रहा है हिला रहा है। वहाँ जो एक बाबा फूक रहे हैं वो बहुत समय से फूकते हैं, वैसे ही पहले उधर फूकते थे अभी यहाँ पे फूक रहे हैं। अलग अलग जगह परिवर्तित करते रहते हैं वो ना, जमीन में कुछ गड्ढा खोदे हैं और शंख जैसे बजाते हैं, उसका सिस्टम है वो। तो ये बाबा जी से हमारा पुराना परिचय है, हालांकि वो हम लोगों को नहीं पहचानेंगे लेकिन हम लोग इन्हें जरूर पहचानते हैं। ये आवाज वो इल्जाम, यहाँ पर कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है धरती के अंदर, मतलब ये धरती से आवाज़ निकाली जा रही है, बाबा ने बनाया है इसको। धरती से निकाला। सो हमारे भारत की भूमि पे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के यहाँ से ध्वनि निकल रही है, वो भी शंख की ध्वनि, और वो भी जमीन में फूंक मारते हैं, जमीन में इन्होंने कुछ बनाया हुआ होगा, उससे ये धरती माता से ये आवाज़ आ रही है। इस फल से कुछ सिंदूर वाला फल है बता रहे हैं। जय हनुमान जी वनशक्ति माई लक्ष्मी माता जलजली मैया, चाचा टीका लगाइएगा, सिंदूर का फल है, इस दाना से रंग निकाला हूँ, ये फल है। तो दोपहर के बज चुके हैं 2 और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस होटल की तरफ, और सामान वगैरह डालने के बाद फिर आगे निकलेंगे। तो हम लोग पहुँच गए अभी कमलेश्वरपुर, और यहाँ पे क्या खाएंगे? मिठाई। तो पहुंच गए हम लोग अपने होटल, और अब यहां से हम लोग करेंगे चेकआउट, चेंज करते हैं, राइडिंग गियर्स डालते हैं, हेलमेट पहनते हैं और फिर कनेक्ट होते हैं इंटरकॉम में, फिर निकलते हैं। दे दीजिए। घाट उतरने के बाद साढ़ू से मिलेंगे हम लोग। हाँ, कुछ देर में अभी घाट उतरने वाले हैं हम लोग। तो फाइनली निकलने के लिए हम लोग पूरा हो गया है रेडी, बैग वैग में भी टांग लिया हूँ, ये भी राइडिंग गियर वगैरह पहन लिया है, बुटगेट अभी ठीक है, अभी पेट नहीं दिख रहा, अब ठीक दिख रहा है, पूरा कंप्लीट रेडी।
पॉइंट आया है यहाँ पर आने के बाद जो मैनपाट का यात्रा है हमारा कंप्लीट होता है, समझो मतलब सफल होता है। ये जो पॉइंट है मैं पहली बार आया, इतनी बार आया हूँ पर देखा नहीं था। और कैंपिंग वगैरह करने के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ से पूरा हिल का व्यू दिखता है और यहाँ पे अच्छा प्लेन जगह है और सड़क के ठीक किनारे में है, तो काफ़ी कन्वीनियंट है। तो यहाँ पे तो कैंपिंग कर सकता है। हाँ, और थोड़ा सा लकड़ी ले आ और जलाने के लिए, अगर मट्टी तेल नहीं होगा तो थोड़ा सा कागज ले आ और रात को यहाँ पे ना तो आग जला, कैंपिंग कर और कुछ खाने का आइटम साथ में या तो ले आ या तो छोटा वाला चीज से बना ले और उसके बाद एक साथ बैठ के खा। किसके साथ? एक दूसरे के साथ, मतलब तू मेरे साथ? हाँ, मैं तेरे साथ। हाँ, हम लोग एक साथ बैठ के जैसे खाएंगे, आप लोग भी अपने से संबंधित किसी लोग के साथ बैठ के वैसे ही खाइए और ऐसे जगह का आनंद उठाइए। यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत देर से बैठे बैठे आनंद ले रहे हैं, मेरे साथ साथ चिंतामणि भी आनंद ले रहा है। आधा घंटा हम लोग यहाँ हो गया बैठे हुए, अभी आधा घंटा और बैठेंगे, अंधेरा होने वाला है कुछ देर में, आधा घंटा और बैठेंगे। मैं तो बोलता हूँ कि हमारा सौभाग्य है जो आप लोग के दर्शन हो जाते हैं। अरे यही सब बात तो फुलटू कर देता है भाई। चले साधु जी बाहर तरफ। हाँ चलिए जी, चाय बना के रेडी है। अरे लाल चाय पिलाऊंगा जी, मतलब पहले से व्यवस्था है जी। हाँ जी, आपको मैं फोन लगाया था ना। हाँ। आप बोले घाट उतर, बस उतर ही गया हूँ। अच्छा। मैं चाय चढ़ा दिया था। मस्त सेवा में लगे हैं साधु जी। नहीं जी, क्या सेवा ले, बताइए। तो कुछ ऐसा प्रेम संबंध रहता है हम लोग का, इसके साथ भी है और इधर भी है। ये देखिए, इधर भी एक प्रेम में अच्छा हो रहा है चाय के रूप में, इधर ज्यादा हो रहा है। क्या गजब का व्यू, और साड़ू जी अभी चल रहे हैं हमारे साथ। ठीक, हम लोग सीतापुर पहुंचे ही थे और हमारे भाई नाम निशांत गुप्ता, निशांत गुप्ता जी से मुलाकात हो गई। पहुंच गए सीतापुर। संजय भाई का दुकान ये, तो ठीक सीतापुर पहुंचे हुए हैं। ये हीरामणि होटल में यहीं पे लेना है भोजनानंद साड़ू जी के करकमलों द्वारा, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है इसका। मूंग का हलवा लीजिए रेवा भाई। साड़ू जी खुश हो रहे हैं बहुत। हाँ जी जी, आप बैठे हैं सामने, चिंतामणि भैया बैठे हैं, दोनों को देख देख के खुश हो रहा हूं। ये है पनीर खजाना, पनीर का पूरा खजाना छिपा हुआ है इस पे, और ये मलाई कोफ्ता। तो शाम के बच्चों के 6:30, अब निकल रहे हैं हम लोग घर के लिए। ये होटल है जहां हम लोग अभी भोजन वगैरह किए, काफी अच्छा खाना मिला यहां पे। आप लोग अभी सीतापुर आए तो जरूर यहां पे खाना खा के जाए, और रुकने की भी व्यवस्था है यहाँ पे, 8-9 रूम बने हुए हैं। चले साढ़ू जी, मिलते हैं फिर। ठीक है रेवा भाई, मिलते हैं। आइए जल्द से जल्द, आइए फिर से आइए। स्वागत है। तो अब निकलते हैं सीतापुर से, सीधे मिलेंगे बाग बहार में। गुड नाइट साढ़ू जी। गुड नाइट। इसी में सीधा चलेंगे, धीरे से बढ़ाना ना, तुरंत 1 सेकंड में निकल रहा हूँ। रात के बज चुके हैं 8:30 और हम लोग पहुँच गए बाग बहार। अजीब अजीब लग रहा है यहाँ पे आके। कैसे लग रहा है? पुराना सब चीज को देख के यहाँ बैठे रहते थे, जान रहे इसके पीछे बैठ के चाय पीते थे, लाल चाय। तो चल रहे हम लोग रूम की तरफ। बड़ा सिस्टम अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन रखे हैं जो। तो पहुँच गए रूम, मंदिर भी है, मंदिर भी है। तेरा रूम है भाई? मेरा रूम है भाई। कैसे लग रहा है? साफ किया है बस, ईश्वर तो बोला तो था साफ करने के लिए। तो कुछ ऐसा कंडीशन है रूम का। अच्छा, बाथरूम सबको नहीं देखा है तूने? इस कंडीशन में देखा था? हाँ। टाइट साइज लगा था? अरे वाह, गेट नहीं लगा था। अच्छा, गेट नहीं लगा था, ठीक है।
कैसा लग रहा है बे? बिंदास लग रहा है। अब बाहर का भी यहाँ से नज़ारा बहुत मस्त लग गया। ऐसा है तो आखिरकार पहुँच गए हम लोग घर। घर अगला ब्लॉग में बाकी का सारा सकते हैं, अगले ब्लॉग में खुलेगा। तो इस वीडियो को ही पे लाइक करके बंद कर दो, बंद कर देते हैं। समाप्त कर रहे हैं। राइट सेफ ऑलवेज योर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ओम हनुमते नमः। कैमरा नीचे कर।